नमस्कार आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन है थ्री डी हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में जिसमें हम स्वास्थ्य और प्रसन्नता को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर कदम दर कदम बढ़ते जा रहे हैं तो आज के इस एपिसोड में चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और इस कदम को बढ़ाने में हमारे सहायक हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ हैं आइए उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर स्वागत है थ्री हेल्थ एंड हैप्पीनेस कार्यक्रम में स्वास्थ्य और प्रसन्नता के विषय में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बातें कही है रॉबर्ट एलबर्ट की बात मुझे याद आती है जिसमें उन्होंने ये बड़ा सुंदर कहा था कि यदि आप स्वस्थ हैं तो संभवतः आप प्रसन्न होंगे परंतु तो यदि आप प्रसन्न और स्वस्थ हैं तो आपके पास वो सब संबद्धा होगी जो आपकी आवश्यक है चाहे आप उसको चाहे ना चाहे इस विषय पर आपका क्या ख्याल है आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जैसे कहा जाता है आपका तन स्वस्थ है जी मन खुश है तो आप वेल्दी बन जाएंगे जी क्योंकि तन और मन खुश है तो आप अधिक खुशी से उमंग उत्साह से हर का जो भी कार्य करते हैं जो भी आपका प्रोफेशन है करेंगे और उसमें आप अधिक धन कमा पाएंगे जो कहावत रविदास जी की सुनते हैं हेल्दी हैप्पी है तो वेल्दी भी है जी। सबसे बड़ा धन क्या है निरोगी काया और निरोगी काया और उस पर से मन भी खुश हो जाए तो उससे कुछ फिर तो नहीं नहीं पिछली मुलाकात में डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि विभिन्न बीमारियां जो होती विभिन्न तरह के विचारों से होती है वो निश्चित विचार होते हैं जिनसे हम प्रभावित होते हैं तो वो बीमारी पैदा होती है जैसे हृदय की आपने बात बताई थी आप इमोशनली जब किसी चीज से हर्ट होते हैं फैमिली के बैकग्राउंड से या फैमिली के रिलेशन से तो उनके व्यवहार से जो बातें होती है वो आपके हृदय को रोगी बनाने में सहायक होने लगती है फिर ब्लड प्रेशर की भी इसी तरह से बात आई थी ऐसी और कौन सी ऐसी बातें हैं जो विचार हैं जो बीमारियों को पैदा करते हैं जैसे डायबिटीज की मैंने बात की थी लास्ट टाइम बिटरनेस इन द माइंड संबंधों में बिटरनेस है आपके अंदर डीप सॉरो की फीलिंग है तो आपके अंदर वो जो है कार्टिसोल हार्मोन जैसे लेवल्स बढ़ जाते हैं हुई हमने भी करके देखिए हो जाता है और वो आपका शुगर ज्यादा निकलने लगती है रिवर्स से और फिर आप अंदर बिटरनेस करते हैं जैसे कॉम्पन बात की जैसा मूड वैसा फूड जी मूड योर फूड तो फिर आप गलत फूड खाने की तरफ जाएंगे मूड एंड फूड तो उसकी वजह से आपको फिर जो है ना डायबिटीज और शुगर भी बढ़ी रहती है और इंसुलिन भी बढ़ा रहता है और धीरे धीरे इंसुलिन खत्म होता है तो बीटा सेल्स मरती जाएंगे फिर आपको डायबिटीज मैनिफेस्ट हो जाती है वो मतलब जो माता पिता से मिले तो हो सकता है अगर आपके अंदर बिटरनेस ना होती मन में तो वो डायबिटीज आपको शायद साठ साल की उम्र में होती है और अभी जो आपको 30 साल की उम्र में हो गई क्योंकि आपने बिटरनेस मन में रखी उसके हिसाब से गलत खाना पाना खाया गलत खान पीन खाना पीना हुआ आपका और व्यवहार गलत हो गया उसके हिसाब से आपके अंदर डायबिटीज ऐसे ही फिर हमारे माइग्रेन होता है जैसे आप बहुत बहुत सेंसिटिव माइंड के बन गए ना थोड़ी थोड़ी बात फील कर लेते हैं एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने संबंधों में लेडीज हमारी जो ज्यादा मतलब उसके शिकार होते हैं सेंसिटिव नेचर ऊपर से गलत खान पान की बात आ जाती है है ना कुछ चीज ऐसी है जैसे पनीर खाना मटर खाना ऐसे कुछ जो छोले जो होते हैं काबली छोले जैसे और जैसे चॉकलेट हैं केकस हैं पेस्ट्रीज हैं तो ये फूड है ना फिर ऊपर से एक्सपोजर टू सन रेज बीच में डाइट का बीच में कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स आ जाते हैं माइग्रेंट हो जाएगा जैसे रिजेंटमेंट्स हैं अगर आप मन में रिजेंटमेंट रख लेते हैं कुछ चीजों के प्रति कुछ व्यक्तियों के प्रति कुछ संबंधों के प्रति तो फिर उससे जो है आपके अंदर जो है वो एक कैंसर की शुरुआत हो जाती है ना आप क्रिटिकल बन जाते हैं हर बात में क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं दूसरों को कोई बात को आप अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं एक मेंटल फैक्टर हुआ साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है फिर उसके ऊपर और बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स क्योंकि एवरी डिजीज पर शुरुआत ट्रिगर जो होता है वो मन होता है ट्रिगर जो है मन होता है मन, मन में पै, पैदा होते हैं विचार पहले विचार पैदा होते हैं वो जीन्स मन के विचारों से पैदा होते हैं और फिर उसके ऊपर गलत खान पान फिर नींद गलत जी देर से सोना देर से उठना और उसके अनुसार फिर सैर वगैरह बिल्कुल नहीं और फिर एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स आजकल जो पोल्यूशन है खाने में टॉक्सिन है फिर वो कैंसर का रूप ले कर लेते हैं तो ऐसे मतलब हर हाँ चीज मल्टी फैक्टर बट तो एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जीन को जीन का धरती का काम करता है वो है हमारा मन नेगेटिव मन इस तरह से बहुत सारी बीमारी को हम ले सकते हैं मन के नेगेटिव विचार नेगेटिव बड़े विचार होते हैं लोगों के बड़ी अपनी अपनी परिभाषाएं लोगों ने मन की दी है मन चंचल है कुटिल है पापी है मन की मत पे मत चली हुई है जीते जी हर वादे ऐसे गीत भी बनते हैं बिल्कुल मेरा मन क्यों तुझे जाए कितनी सारी बातें मन पे होती है लेकिन एक्चुअली मन की रियल डेफिनेशन क्या है मन है क्या चीज एक माइंड है एक ब्रेन है ब्रेन तो फिजिकल है ना इसे हम देख सकते हैं ठीक है आप खोपड़ी के अंदर है ग्यारह बारह सौ ग्राम का ब्रेन होता है कैंसर हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है पस पड़ सकती है उसको आप खोल सकते हैं चोट लग जाने पर ब्रेन में हेमरेज हो जाता है या ब्रेन के अंदर खून इकट्ठा होता है उसको निकाल सकते हैं क्यों मन जो है वो तो फिजिकल है सो अरब न्यूरॉन्स का बना हुआ है सो बिलियन हंड्रेड बिलियन न्यूरॉन्स का बना हुआ है तो जो माइंड है ना वो नॉन फिजिकल है ये हार्डवेयर है ब्रेन हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर है ठीक है ना तो उसको आप मन को आप देख नहीं सकते मैं बताया ब्रेन का वजन बारह सौ ग्राम है और मन का वजन कितना होता है कई बार लोग कहते हैं मेरा मन इतना भारी है बिस्तर से उठ नहीं सकता हूँ हाँ ये बात सुन मन मेरा बहुत भारी है और कभी कभी हम ऐसा भी कहते हैं आज मेरा मन बहुत इतना हल्का कि मैं लग रहा उड़ रहा हूँ तो ऐसा कैसे होता है कि मन हल्का हो जाता है कभी भारी हो जाता है तो जब हमारी टीम पॉजिटिव होती है तो हम हल्का महसूस करते हैं मतलब जब अंदर से खुश होते हैं तो हल्का महसूस करते हैं और इसकी वजह जब तो हमारी टीम नेगेटिव हो जाती है तो मन बेसिकली टीम है मन जो आप कह रहे हैं मन क्या चीज है मन में चार एस्पेक्ट्स हैं टीम थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स और मेमोरीज तो थॉट्स जैसे बताया इंटेंस थॉट्स हो गए तो इमोशंस बन गए इमोशन से वाइब्रेशन बन गए फिर इमोशन को लंबा कर दिया उसी भावना में लंबा समय जीते रहो तो वृत्ति बन गई वृत्ति से वायुमंडल बन गया वायु वायुमंडल वा, से जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि फिर वही चीज नजर आएंगे आपको जो आपके अंदर वृत्ति जो आपका एटीट्यूड अच्छा वैसे दूसरे में कोई कह देगा आपको ये व्यक्ति तो बहुत खराब है ये तो ऐसे भले वो व्यक्ति कितना मर्जी अच्छा हो कितु तो उसको आप मिलेंगे ना उसका हर एक्शन आपको नेगेटिव दिखाई देगा अच्छे एक्शन अच्छे कर्म भी उसको नेगेटिव दिखाई देंगे देखो बाहर से कितना बनावटी है उसकी पॉजिटिव बात को भी नेगेटिव लेंगे वायुमंडल बन गया फिर वायुमंडल के असर में हम काम करते हैं एक बार किया तो ब्रीफ एक्ट इम्प्रेशन हो गया अगर दस लोगों ने इस बात को कंफर्म कर दिया तो बिलीफ सिस्टम बन, hmm. बन, तो बन गया और हैबिट्स तो है। एक बार आदत बन जाती है फिर तो हमारे पूर्व बीमारी का रूप धारण करती है आदत hmm. बनने के बाद बिलीफ सिस्टम बनने के बाद हमारी बीमारी का रूप धारण करती है राइट क्योंकि फिर हमारी बुद्धि काम नहीं करती है वही गलत बार बार करते रहते हैं गलत ही गलत गलत करते रहते हैं और फिर हमारी वो चीज बीमारी का रूप धारण कर लेती तो है चाहे गलत खाने की आदत हो चाहे गलत सोचने की आदत हो गलत बोलने की आदत हो मन विचारों का एक समूह है विचार और विचारों, विचारों है। की अपनी अपनी क्वालिटीज जो आप हाँ। पहले भी इशारा हाँ। दे देते मतलब विचार नहीं विचार भी विचार के बाद भावनाएं भावनाएं भी वही विचार भावना का रूप धारण करते हैं वही भावनाएं फिर वृत्ति का रूप धारण करती हैं और वृत्ति स्मृति का रूप धारण विचार और स्मृति जब एक बार बन गई फिर उस स्मृति जो अंदर रिकॉर्ड हो गया

कुछ पढ़ा विचार पैदा सुना विचार पैदा हुआ खाया विचार पैदा हुआ कुछ हुआ विचार पैदा कुछ हुआ कुछ गर्म ठंडी हवा आसपास से गई कुछ जैसा भी मौसम फील फील हुआ तो विचार पैदा हुआ पैदा ये तो हो गए बाहर से हमारे कर्म इंद्रियों के के द्वारा द्वारा हमें नहीं। नहीं। फील होना उससे विचार जनरेट होता दूसरा हमारी स्मृतियां होती हैं जैसे आपने देखा एक क्लियर वाटर की लीक होती है साफ पानी की झील होती है जी उसमें दो तरह से लहरें पैदा हो सकती हैं एक तो उसको पत्थर मारे राइट तो लहरें पैदा हो जाए दूसरा क्या होगा जिस दिन पूर्णमासी का दिन होता है या अमावस्या का दिन होता है तो उसने ज्वार उठता है ज्वार भाटा उठता है झील में तो क्या होता है अपने आप ही पैदा पैदा या तो ऐसे हमारी स्मृतियां कई बार क्या होता है तो अपने आप स्मृति जागृत हो जाती आप कुछ भी नहीं देख रहे उससे कोई कनेक्शन भी नहीं है अचानक वो स्मृति याद वो फाइल खुल जाएगी अचानक अपने आप ही खुल जाएगी अचानक वो ख्याल आएगा विचार के बाद उसके विचार के बाद विचार के बाद विचार आता जाएगा अगर वो विचार हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या होगा पहले आया था वेव्स के में के रूप रूप में में आया लहरों फिर तूफान बन जाएगा और जो आदमी हिम्मत हार जाएगा वो बह जाएगा इसी विचारों में बह जाएगा विचारों के समुद्र में बह जाएगा तो इससे जैसे विचार आना शुरू हुआ मुझे कोई नेगेटिव विचार आना शुरू हुआ और फिर जो है वो केमिकल निकलना शुरू हुआ और, और मैंने करता गया करता गया वो तूफान बन गया वाइब्रेशन के रूप में सारी सेल्स पे असर करना शुरू कर देगा और फिर उसमें आदमी बह जाएगा मतलब उसमें अगर वो हार्ट पेशेंट है तो हार्ट अटैक हो जाएगा अगर वो उसको दमे का भी पेशेंट है तो दमा दमे का अटैक हो जाएगा दांतों में खराबी शुरू हो जाएगी कमर का दर्द है कमर का दर्द बढ़ जाएगा तो मतलब फिर वो तूफान के रूप में आपके अंदर आ जाए लहरों की तरह यादें दिल से टकराती हैं टकरा तूफान उठाती हैं तो ये तूफान उठते रहते हैं और फिर जा जा के टकराते रहते हैं तो मतलब ये जो है एक सीक्वेंस फिर ऐसी बनती है तो ये है मन मतलब वो पर ऑपरेट हार्डवेयर के द्वारा ही होता है अच्छा ब्रेन के द्वारा ही वो ऑपरेट होता है उसको जो कर्म में लाया जाएगा वो असर जिसे पता है ना हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही कंट्रोल रूम है ना फिर वहाँ वो केमिकल बनेंगे और सारी बॉडी में फैलेंगे और फिर, फिर आत्मा आत्मा का क्या अस्तित्व है इसके साथ आत्मा की तीन सूक्ष्म हैं उस पर हम बाद में एक पूरा टॉपिक लेंगे जी 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 आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियाँ हमारे अंदर पांच हमारी स्थूल कर्मेंद्रिया आँख है नाक है कान है मुख है त्वचा है ये हमारी स्थूल कर्मेंद्रिया जिसके द्वारा हम दुनिया से कनेक्टेड है द्वारा कनेक्टेड है ना हम दुनिया से अंदर भी स्किन है बाहर भी स्किन है तो उससे कनेक्टेड है और ये आँख से नाक से हम लोग सेंस करते और एक्सप्रेस भी करते हैं तो ऐसे ही आत्मा के पास तीन सूक्ष्म कर्म जो पहली कर्म कर्मेंद्री मन है ये सोचने की शक्ति है राइट तो जो भी हम सोचते हैं भावना बनाते हैं फिर वृत्ति बनाते हैं फिर स्मृति बनाते हैं तो इस तरह से हमारे मन है फिर तो दूसरे सूक्ष्म कर्म कर्मेंद्री कहें सूक्ष्म सटल फैकल्टी कहें सूक्ष्म शक्ति कहें आत्मा की वो है बुद्धि वो निर्णय करने की शक्ति है राइट क्या है हमने

Uh, मैं मान लीजिए मेरे डॉक्टर कहता है कि आपको फेफड़े खराब हो गए अब आप आज से स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए अब मेरे को स्मोकिंग करने की आदत है हाँ डॉक्टर ने कह दे दिया कि आप अगर करेंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा या आपका कैंसर ऑलरेडी शुरू हो गया आप बहुत हालत खराब होगी तो आपकी जेम अभी आपकी जो पैकेट है उसमें तीन सिगरेट बची हुई हैं तो आपने कहा नहीं 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 अभी तो यार सिगरेट तो पाँच रुपये की मेरी सिगरेट आती है महंगी वाली सिगरेट है तो मैं इसको कैसे फेंक दो पंद्रह रुपए के सिगरेट कैसे फेंक फेंकू तो बता तो ये तो पी लेता हूँ वो तो तो फिर जो है संस्कार बुद्धि को कहेगा ये तो पी लो जजमेंट पुरानी आदत है ना तो बुद्धि प्रभावित होगी ना मैंने कहा ना बुद्धि काम नहीं करती संस्कार है आदत बनने के बाद तो इस तरह से वो तीनों शक्तियां आत्मा की एक मेजर शक्ति जो है वो मन है मन है आत्मा जो है मन के द्वारा ही शरीर से कनेक्टेड है डायरेक्ट जो कनेक्शन है आत्मा का वो मन के थ्रू मन बॉडी के विभिन्न जो भी कुछ जो कुछ आत्मा को एनर्जी बॉडी को देनी है शांति प्यार खुशी है जो भी एनर्जी देनी है वो बिना मन के शरीर में जाने से जा सकते तो पिछली मुलाकात में जब हम आपने बताया था हृदय के बारे में बताया आपने डायबिटीज के बारे में बताया विचार किन विचार से होता है और ब्लड प्रेशर के बताया पेट के रोगों का क्या किस तरीके के विचार प्रभावित करते हैं पेट के रोगों में खुशी का मेन कनेक्शन है खुशी जो है ना मतलब बेसिकली खुशी अगर आप खुश रहते हैं जैसे कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं तो अगर आप खुश रहें तो आपका कुछ भी पच जाएगा जी अगर आप खुश नहीं है तो आपको कुछ भी जैसे पचेगा नहीं अगर गम हो दुख हो अंदर तो हल्के से हल्का खाना भी आप खा लो तो पचता नहीं है यहीं रखा रहता है ए बनाता है गैस बनाता है न? तो हमारे अंदर ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि हमारे अंदर दो एक आर्ट हमारी जो खाने की नाली है उसके अंदर दो करंट के वायर्स चलते हैं प्लेक्सेस बने हुए आर्बेक्स प्लेक्सेस और मिजनल प्लेक्सेस दोनों की हारमोनी से ही आंते चलती हैं चौबीस फुट लंबी आंत है सारी आँ ऐसे तो ऐसे नहीं पड़ी लंबी लंबी आँत पड़ी है एकदम ऐसे कोयल कोयल सांप जैसे होता है ना कोयल कोयल मार के बैठा होता है ना कोयल उसको उस खाने को उसमें से मूव करना है जी तो बायदा खाने का मंथन भी होता है और चलता भी है मतलब आगे जाता भी है खाने में जूसेस मिलते हैं आगे पचाया भी जाता है और आगे चलता भी जाता है आते आ, आगे आगे सिकुड़ते जाएंगे बैरिस्टास कहते हैं तो इस तरह से आते जो है वो आगे मूवमेंट करते हैं तो इसमें जो है हमारी अगर सेंसिटिव नेचर बन गई है थोड़ी थोड़ी बात हम फील कर लेते हैं और उसको अपने मन में संभाल लेते हैं तो अंदर से एक्सपेक्टेशन मतलब सेंसिटिव नेचर के मतलब एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से इसको ऐसे करना चाहिए मेरे पति को ऐसा करना चाहिए मेरी पत्नी को ऐसा करना चाहिए मेरे बच्चे को ऐसा करना चाहिए मैं इनके लिए इतना करता हूँ इतनी करती हूँ है ना और या फिर जो ऑफिस में जाते हैं जहाँ जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ हमारा ऐसा व्यवहार होता है आप सर्वेंट हैं आपके मालिक के प्रति एक्सपेक्टेशन होती है hmm. कि मैं इनके जीवन दे दिया इनको मेरे प्रति इतना तो सोचना चाहिए है ना वो नहीं सोचते तो खुशी उड़ जाती है तो वही जो सेंसिटिव नेचर है ना वो जो है हमारे फिर भावुक हो जाते हैं फिर उदास हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ा कारण है हमारे अंदर तो so, खुशी की कमी होने मतलब वो अंदर फिर सेगमेंट्स बन जाते हैं ऐसे सेगमेंट्स बन जाएंगे स्पेजम बताया ना ऑरबेक्स प्लेस एंडल प्लेक्सेस वो जो है एकदम कंटिन्यूस फ्लो होगा तो तो मतलब हमारी हाथों में खाना आगे जाता है जाता जाएगा क्यों तो अगर हमने ये हमारी नेचर बन गई सेंसिटिव थोड़ी थोड़ी बात में फील कर लिया फिर भावुक हो गए उदास हो गए फिर कोई बात ऐसी तो क्या कुछ सेगमेंट्स तो क्या होंगे चलते चलते आंते रुक जाएगी एक एरिया में वहां से होल्ड अप हो जाएगा तो इतने एरिया में जहाँ खाना वहाँ खाना सड़ेगा मोवमेंट आगे नहीं हुए फिर थोड़ी देर में आगे एक सेगमेंट आगे जाएगा फिर एक सेगमेंट बन जाएगा फिर आगे जाएगा एक सेगमेंट और बन जाएगा तो ऐसे फिर आंतों में जंगे जंगे फिर क्रैम्प की फील्डिंग होना पे इसमें क्रैम्प होते हैं तो हमारी जो ये जो जब भी इसके बीच में इम्बेलेंस होता है और बैक और रिजनल प्रेक्स के बीच में और उसके कारण हमारी इमोशंस ये वाली जी सेंसिटिव और इमोशनल नेचर है तो फिर जो है हमारे अंदर बीच में सेगमेंट्स बनते हैं और उसके कारण फिर हमारे खाने की मूवमेंट ठीक नहीं होती और पेट ठीक नहीं साफ नहीं होता कई बार जाना पड़ेगा जैसे ना जब भी खाना खाएंगे थोड़ा प्रेशर लगेगा फिर आपको जाना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा तो इसको बोलते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो इसमें खाना अंदर सड़ता है गैसेज बहुत ज्यादा बनती हैं और क्रैम्प्स होते हैं कई बार इसमें कहते हैं अगर आप मुख से नहीं बोलते बातें तो अपने मन की बातें नहीं कहते तो आप यहाँ से बोलती हैं यहाँ से बोल रही हैं ना बीमारी के रूप में बीमारी के रूप में, है। में। है। तो हमें रियल लाइफ का एक सिद्धांत है जो भी संबंध संपर्क में आपके साथ लोग आए हैं संबंधी बने हैं कांटेक्ट में आए हैं वो ऐसे नहीं आए हैं पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब किताब है वो आपसे वो हिसाब किताब लेने के लिए आए हैं तो वो और डायरेक्टर आप नहीं है कई बार हम समझ लेते हैं घर में पति या पत्नी समझते मैं घर का डायरेक्टर हूँ घर की डायरेक्टर हूँ सबको मेरी मान नहीं आप भी एक्टर है आपको पति भी एक्टर है आपके बच्चे भी एक्टर है डायरेक्टर आपके कर्म है ड्रामा कह सकते हैं तो वो उसके अनुसार वो करेंगे आपके साथ आप, आपने सुख दिया है सुख देंगे आपने इंसल्ट किया तो आपकी इंसल्ट करेंगे दुख दिया है दुख देंगे ग्लानी की हुई है ग्लानी करेंगे तो आपको क्या है सब कुछ एक्सेप्ट करना है अगर आप खुश रहना चाहते तो आपको सब कुछ एक्सेप्ट करना है स्वीकार करना कोई कुछ भी कर दे कुछ भी कह दे आपको उसको स्वीकार करना है तब आप खुश रहना सीख पाएंगे आज पेट की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसका एक मुख्य कारण यह है आमतौर से हम देखते तो, हैं कि भाई फला व्यक्ति से ये अपेक्षा है उसको ये करना चाहिए और वो ये नहीं करता अपेक्षा तो व्यक्ति को करनी होगी किसी ना किसी काम को संपादित करने के लिए ये तो निश्चयात्मक रूप से समझना होगा कि, कि फला व्यक्ति वो काम करेगा और तो वो व्यक्ति वो काम नहीं करता है तो जाहिर है हमें उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगा हम ऑफिस में गए चार पांच छह घंटा आठ घंटा काम करके आ गए है ना तो भले कोई हमको हर्ट करता तो फील होता है कि हम अच्छा करते तो भी फील करते किंतु तो ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है अपने घर में आने के बाद पति पत्नी से बच्चों से जो अपने दिल में बैठे ना वो हर्ट करते हैं जो इफेक्ट करता है वो बहुत जो क्लोज है उन उनके जो है, वो जो हर्ट वो अपने अपनों के दिए वेट कहते हैं बात करूँ दिल के बारे में हार्ट के बारे में इस बात को हम बहुत गहराई से लेंगे कैसे हमारे ये जो हमारे इमोशंस कैसे हमें हार्ट करते हैं हर्ट करती हैं और कोई बीमारी कारण भी हमारे कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे मैं इस बात को आप पूरा कंप्लीट ना समझे कि मानसिक ट्रिगर जो है मन है उसके ऊपर फिर फूड है गलत खान पान है और फिर नींद का भी इफेक्ट है नींद ठीक नहीं निकली तो वो भी है फिर सैर भी नहीं की है वो भी है वातावरण का वायुमंडल का असर भी है पॉल्यूशन का असर भी है आज जो खाने में मिक्सिंग हो रही है वो भी है मिलावट हो रही है वो भी है है ना और फिर हमारे जो है आज जो वायुमंडल में इतनी सारी जैसे दिल्ली जैसे शहर अहमदाबाद जैसा शहर बॉम्बे जैसा शहर बड़े बड़े शहरों में इतना पॉल्यूशन है गैस चैम्बर बन चुके हैं सही बात है।, है ना आपकी है पर हम ये देखने में है कि मैं आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम टीम को पॉजिटिव बना के अपना आभा मंडल इतना स्ट्रांग बना सकते है कि आपको इन चीजों का असर भी ना हो ये भी जरूरी है अब उसपे तो हमारा कोई इख्तियार नहीं बॉम्बे या अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में जो पॉल्यूशन जैसी चीजें उस वायुमंडल में रह कितना भी ऐसा कुछ हो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है टीम पॉजिटिव है उसमें रह के भी आप अपनी इतनी अच्छी इम्यूनिटी बना सकते हैं आप इतना स्ट्रांग बन सकते हैं अब अगले एपिसोड में इस बार चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपने आप को सब कुछ नेगेटिव होते हुए भी बाहर का वातावरण पॉजिटिव टीम बना कैसे आपके शरीर में क्या चेंजेस होंगे आपके अंदर क्या क्या केमिकल बनेंगे और कैसे आपके अंदर आप वो सब कुछ इफेक्ट सब बीमारियाँ मनोतन की आप ठीक कर सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बात मुझे अभी समझ में आई और अगले एपिसोड में जिज्ञासा पैदा हो गई कि उन बातों को हम कैसे उनका डिफीट करेंगे जो हमारे इख्तियार में नहीं है और इम्यूनिटी सिस्टम की आपने बात की हम स्ट्रांग कर लें टीम के जरिए ये बात जानने के लिए मैं भारी उत्सुक हूँ लेकिन आज का समय यहाँ समाप्त होता है तो आज यहीं तक रखेंगे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद तो मित्रों आज की इस चर्चा के अंत में जिस बात पर हम आके पहुंचे हैं बड़ी सुंदर और बड़ी आवश्यक बात है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं चाहे व्यक्ति है चाहे वस्तु है चाहे पदार्थ है वातावरण है प्रकृति है ये हमारे इख्तियार में नहीं है इन पर हमारा कोई अधिपत्य नहीं है ये जैसे है वैसे है ये भी हमें इफेक्ट तो करते हैं फिर इनके इन्फेक्शन से कैसे बचे किस तरह से वो इम्यूनि सिस्टम को हम अपने मजबूत कर लें ये सब होते हुए भी हमें इफेक्ट ना करें और हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें इस बात को जानने के लिए हम इंतजार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का तो आज की चर्चा यहीं तक और फिर हम वापस आएंगे और इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे धन्यवाद नमस्कार